नागपुर जिले के कुराड़ी थाने अंतर्गत पापलांट में नकली आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट बनाकर 25 लोगों के नाम से धोखाधड़ी बड़ा मामला सामने आया। मैगल कंपनी ने उड़ीसा से 25 कामगारों को महाजनको के पावर प्लांट में काम करने लाया था, जहां पर अब आरटीपीसीआर अनिवार्य हो गया है। बिना आरटीपीसीआर किसी भी सरकारी विभाग में अनुमति नहीं दी जा रही है। मैगल कंपनी के सुपरवाइजर ने यूट्यूब पर एप्स डाउनलोड करके नकली आरटीपीसीआर बनाया था, जहां गेट पास के लिए महाजनको के सुरक्षा अधिकारी को गेट पास बनाने के लिए दस्तावेज दिए। वही यह मामला सामने आया। आरोपी को कोराड़ी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया है। अब पुलिस विभाग इस नकली आरटीपीसीआर के बड़े मामले की जांच कर रही है। रहने वाले 5 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट बनाए, आरटीपीसीआर टेस्ट के बनावट कागजात बनाए थे और टोटल 25 लेबर का ये बंच था, उसमें 5 लेबर के बनावट कागजात मिले हैं। आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी का कहना ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर उस यूट्यूब के माध्यम से वो उसने लैपटॉप पे बनाए और लैपटॉप से प्रिंटआउट निकाल के सुरक्षा ऑफिस में जमा किए। सुरक्षा ऑफिस के दस्तावेज चेकिंग के दरमियान बनावट होने का पता चला है। आरोपी के तरफ से अपने को उसका जो भी या ऐसे जो बनावट कागजात बनाए हैं उसने, वो लैपटॉप प्रिंटर और बाकी सब चीज़ें जब्त करना बाकी है। उसके ऊपर तपास चल रहा है और उसके साथ में कोई सह आरोपी है, इस बात को लेके तपास चालू है।